मैं आपकी बात, मेरा नाम अनुपम श्रीवास्तव है। आपने कहा चाय पीते वक्त लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आप ऐसा मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस देश में चाय पिला के ही झूठ बोला गया, झूठ बोल के चाय पी गई है। 2014 से चाय पे चर्चा करके वो शख्स वहाँ पे बैठा, हमारे भविष्य की बात करा, आज वो सिर्फ अपनी बात करता और अपने चार लोगों की बात करता है, अमित शाह, मोदी, अडानी और अंबानी। चार के अलावा कोई भाजपा का तीसरा नेता हमको बता दे, जो सॉरी वो तो व्यापारी है, तीसरा नेता कोई हमको बता दे और तीसरा व्यापारी कोई हमको बता दे। भाई साहब ने कहा मैंने लोन ले रखा है, बैंक भी लोन उसी को देती है जिसके पीछे बैकअप होता है। अगर भाई साहब को इतना कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे मेरे 10 मित्र सब हैं, किसी को ये लोन दिलवा दें, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी लुंगी को खोल करके हमारे सर पे बांध दिया गया और हम अपने आप को बाहुबली समझ के घूम रहे हैं। ठीक, आज की डेट में हमारे पास खाने के सारे आइटम महंगे हो चुके हैं, हमारा गैस सिलेंडर महंगा है, 400 की बिजली 800 में है। इन्होंने कहा कि व्यापार 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 करने के लिए सर पूंजी लगती है, आपकी तरह नहीं हो, जरूरी नहीं कि बाप दादा दे के गए और हम व्यापार शुरू कर लें। ठीक, और इन्होंने कहा नौकरी कोई करना नहीं चाहता, 4000 रुपए की नौकरी आप अपनी दुकान बुला करके हमको देंगे, 4000 रुपए हमारा परिवार चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दूसरा इन्होंने कहा, एक सेकंड, आपने बोला, फिर इन्होंने कहा आप पढ़िए, नीट करिए, LLB कर लीजिए, BPED कर लीजिए। सर एक नौकरी तो सफल बता दीजिए जो आपने कराई हो, हर नौकरी के लिए एग्जाम के बाद पर्चा लीक के बाद जांच के बाद क्या हुआ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता है। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि इंटरनेट, क्या जो आप कह रहे हैं, क्या ये पहली बार हुआ? मतलब मैं उत्तर प्रदेश का नहीं हूं, पर उत्तर प्रदेश के इतिहास को जब मैंने पढ़ा, वो जो फॉरवर्ड होते थे और प्रतियोगी परीक्षा करने वाले किसी बच्चे से पूछ लीजिए, वो बोलता है सरकार भूल जाइए साहब, हमारा क्रम अलग है, हमारा पहले परीक्षा की डेट नहीं आती, फिर डेट आती है तो डेट पर कोई आपत्ति आती है, आपत्ति के बाद फिर डेट आती है, फिर पेपर होता है, कई बार होने से पहले हाथ में होता है, कई बार होने के बाद हाथ में होता है, फिर अगर सब कुछ हो जाए तो कोर्ट में होता है। और ये सरकारों की बात के बिना, क्या उत्तर प्रदेश में ये परीक्षाओं का इतिहास नहीं रहा? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, इसके पहले भी पर्चे लीक हुए, लेकिन जो पर्चे लीक हुए उनकी आप परसेंटेज निकाल के देखिएगा, अगर लीक हुए तो दोबारा पेपर तो नहीं हुए, जो लीक नहीं हुए उसमें धांधली की शिकायत हुई, कोर्ट ने रोके हैं, जो लीक नहीं हुए फिर कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ हुए और ये हुए हैं। मतलब मैं तो तथ्यों की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आप ढेर सारे फैसले पढ़ लीजिए अलग अलग पेपर के बारे में, पिछली सरकार या इस सरकार। उत्तर प्रदेश में तो परीक्षा व्यवस्था सबसे मुझे लगता है चौपट स्थिति में एक लगती है, जिस जिले में जाइए बच्चे परीक्षाओं की बात करते हैं, और सरकार कोई भी हो बच्चे परीक्षाओं की बात करते हैं। सर ये इसके पहले भी लीक हुए मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लीक हो रहे हैं कि किए जा रहे हैं, एक हो या किए, वो तो दोनों ही बात बराबर हुई ना, हो कि किए जा रहे कर रहा है तो हो रहा है, वो तो दोनों ही तरफ से हुआ, दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन अभी की डेट में पिछले 10 सालों में हम तो सर पूछ रहे हैं, 8 साल भाजपा की सरकार है, योगी सरकार, हमको बताए ना, ये जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की, मैं सहमत हूँ वहाँ, हमको तो वही चाहिए ना, उनकी एक गलती की वजह से हमारा तो पूरा जीवन बर्बाद, 18 साल की नौकरी में पानी, 20 साल क्रॉस हो गए हमारे एक एग्जाम दोबारा करवाने में, हम तो निगलेक्ट हो चुके हैं। ठीक, और दूसरा तीसरी चीज, आज की डेट में अब जो भी बात करते हैं ना वो आपसे इंटरनेशनल बात करेंगे। ठीक, बाहर विदेशों में आपसे बात करना और यही बात कर रहे हैं, जी नहीं आप कर रहे हैं, हम इन लोगों की बात कर रहे हैं, वहाँ का बात, आप प्रतापगढ़ की बात करिए, आप लोकल मुद्दों की बात करिए, तब समझ में आएगा कि हम सरकार चुनने जा रहे हैं, हम उनके अधीन होकर के जो वो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। 2014 के आसपास ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया का लगभग तेजी से उदय हुआ है, और उसी समय ये सरकार आई है, पूरी तरीके से ब्रेन को हैक किया है, आदमी को सिर्फ वो जो कहते हैं वही सही दिखाई देता है, ना कुछ सर्च करने की उम्मीद है उनको, ना कुछ देखने की। एक शब्द से मेरी आपत्ति इसलिए है, मेरा मानना है जनता अपना विवेक लगाती है, उसको जो लगे, हम ये कह दें कि हमारे मन का किसी ने नहीं चुना तो वो हैक हो गया, गलत सोचने का तरीका। अगर मैं पूछूं ठंडा मतलब, 80 लोग कहेंगे कोका कोला, 80 का मत है ना, लोकतंत्र यही तो है, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन ठंडा मतलब कोको कोला, जब 24 घंटे में 22 घंटे हमको टीवी पे ठंडा मतलब कोको कोला सिर्फ दिखाया जाएगा, तो हम ठंडा मतलब बर्फ नहीं बोल पाएंगे, हम ठंडा मतलब पानी नहीं बोल पाएंगे, ठंडा मतलब कोको कोला ही बोलेंगे, और इस गवर्नमेंट में एक पूरे प्लान के सहित ये किया जा रहा है, ये ब्रेन वॉश करने का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।